और बागमारा विधायक डुल्लू महतो ने आज प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए कुछ अलग ही तरीका अपनाया। प्रधानमंत्री जब नए विधानसभा भवन को अवलोकन कर रहे थे तो अचानक से डुल्लू महतो वहां कैमरे के सामने भीड़ को चीरते हुए प्रकट हुए और फिर प्रधानमंत्री के आसपास जितने गणमान्य थे, खासकर विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव, सबको धक्का देते हुए पीएम के साथ सेल्फी लेने लगे। हालांकि प्रधानमंत्री उनकी सेल्फी से बचते नजर आए। तो बता दें कि जो विधायक हैं बागमारा से डुल्लू महतो, वो पीएम के साथ सेल्फी लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जितने भी गणमान्य व्यक्ति वहां पर मौजूद थे सबको धक्का देते हुए पीएम के पास पहुंच गए और पीएम के साथ सेल्फी लेना वो चाह रहे थे, लेकिन पीएम उनकी सेल्फी से बचते हुए नजर आए। तो विधायक डुल्लू महतो का सेल्फी फ्रेम सामने आया है। बता दें कि गणमान्य लोग जो वहां पर मौजूद थे, जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उन सभी को वहां से हटाते हुए डुल्लू महतो सीधा पीएम के करीब पहुंचने की कोशिश करने लगे और जब पीएम के करीब पहुंचे और सेल्फी लेने लगे, लेकिन सेल्फी लेने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो डुल्लू महतो का सेल्फी फ्रेम सामने आया। आखिरकार पीएम के साथ का जो सेल्फी का जो सवाल था, इसकी वजह से उस विधायक जी ने विधानसभा अध्यक्ष को धक्का दिया और मतलब वहां से उनको हटाते हुए वो आगे बढ़ गए और पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन पीएम बिल्कुल इसके लिए भी जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाया पीएम ने और पीएम वहां से सीधा आगे बढ़ गए। तो मतलब जो विधायक हैं डुल्लू महतो, वो तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब नए विधानसभा भवन का अवलोकन कर रहे थे, उस दौरान उनके साथ में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनको प्रधानमंत्री को सब कुछ दिखा रहे थे। इसी के दौरान विधायक डुल्लू महतो सबको चीरते हुए और सबको हटाते हुए पीएम के करीब पहुँच गए, लेकिन पीएम ने इस सेल्फी के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो विधायक डुल्लू महतो का सेल्फी फ्रेम सामने आया है, दिखा रहे हैं हम आपको लगातार न्यूज 11 पर टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से विधायक डुल्लू महतो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी के साथ, लेकिन पीएम मोदी उनको देखे बिना ही आगे बढ़ गए। तो पीएम मोदी ने बिल्कुल भी विधायक डुल्लू महतो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, न्यूज 11 के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं विधायक डुल्लू महतो। विधायक जी, बताएं कि आपका जो ये सेल्फी प्रेम, जो पीएम के साथ आप सेल्फी लेने में नजर आ रहे हैं और सीधा जो वहां पर गणमान्य व्यक्ति हैं उनको हटाते हुए आप पीएम के करीब पहुंचे, तो क्या कहना है इस मामले में आपका? आपका ये सेल्फी प्रेम आपका नजर आ रहा है सामने, किसी को हम हटा के वहां नहीं पहुंचे, हम तो वहां पर खड़ा है और हमारे बगल में फुलचंद चाचा जी है, उसके बगल में विधानसभा अध्यक्ष जी है, हम वहाँ पे कहा किसी को ठेले और कोई ठेल निकल हुआ है। लेकिन यहाँ पर साफ दिख रहा है कि किस तरह से आप गणमान्य व्यक्तियों को हटाते हुए आगे बढ़े हैं पीएम से सेल्फी लेने के लिए। एक जगह इकट्ठा था, इसके लिए था, कोई वहाँ पे किसी को ने ठेला उला है जी, लेकिन जो हमारे पास वीडियो है, जो हमारे पास तस्वीरें हैं, उसमें साफ दिख रहा है। आप लोग नहीं बोल सकते हैं, आप लोग दिखाना दिखाइए, पर वहाँ कुछ घटना नहीं हुआ, किसी प्रकार के फर्क नहीं बात हुआ जी। तो आपका क्या कहना है, आप क्या कहेंगे इस मामले में? नहीं कुछ नहीं, वो लोग हमारे बड़े हैं, सीनियर, हम उनको कैसे उनके आगे खड़ा होते हैं। लेकिन वीडियो में जो आप दिख रहे हैं कि जो वहाँ पर दिख रहे हैं, देख तो रहे हैं, वहाँ तो देखे कि प्रधानमंत्री जी अपने स्टैंड लगा रहे थे जी, तब फिर क्या है? लेकिन आप वीडियो में सेल्फी लेना चाह रहे हैं, लेकिन पीएम उसके लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और आप सबको हटाते हुए पीएम के पास पहुंचे। किसी को हटाते हुए नहीं, किसी को नहीं, एकदम नहीं, गलत बात। मतलब आप इस बात से बिल्कुल साफ तरह से इनकार कर रहे हैं कि आप इसका, आपका कोई ऐसा मकसद नहीं था या आपकी ऐसी मंशा नहीं थी? यही नहीं हुआ ही नहीं वहाँ पे। आपकी आवाज नहीं आ रही है विधायक जी, थोड़ा नहीं, सही से वहाँ पे हुआ ही नहीं है कुछ ऐसा, किसी तरह का बात ही नहीं है। तो विधायक जी का साफ कहना है कि वहां पर इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, और लेकिन जो वीडियो है, जो हम आपको न्यूज अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि वो जो है सीधा उनके साथ में जी। लेकिन विधायक जी,
हाँ, लेकिन विधायक जी जो ये तस्वीरें हैं उनको आप कैसे झुठला सकते हैं? तस्वीरों ये में साफ दिख रहा है तस्वीरें कि हैं, आप तस्वीर जो गणमान्य व्यक्तियों को तस्वीरें हटाते हुए आगे ले गए मैं हैं। गजब का बात कर, वहां पे जाकर पता नहीं क्या आपको देख के जाकर आते हैं। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, प्लीज सही से बोल बताइए। नहीं नहीं वैसा कोई बात नहीं, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कोई बात नहीं हुआ। लेकिन आप सेल्फी लेने गए थे ना पीएम के साथ में? सेल्फी लेने गए थे, सेल्फी ले सकते, सेल्फी क्यों ले सकता, प्रधानमंत्री के फोटो ही बगल में है मेरा। लेकिन हो सकता है कि हम नहीं, झूठ बोल रहे हो, लेकिन ये तस्वीरें साफ बता रहे हैं कि आप कैसे हटाते हुए गए। नहीं गलत बात है, लेकिन बात तस्वीरों में आप साफ दिख रहे हैं कि आप आप सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़े हैं और आपने जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको भी हटाते हुए आप आगे बढ़े हैं। नहीं गलत बात है, एकदम गलत बात है। लेकिन ऐसा क्यों है कि विवादों से आपका ही नाता रहता है? आप लोग अपने विवाद पैदा करवाते हैं। आप लोग नहीं, हमने इसमें कोई विवाद पैदा नहीं करा है, ये तस्वीरें हैं जो साफ बयान कर रही हैं। सारे न्यूज वाले थे, सारे न्यूज वाले थे। लेकिन आप विधानसभा अध्यक्ष को धक्का देते हैं और विवाद हम पैदा गलत करते हैं, ये तो है। गलत है, एकदम गलत बात है। कैसे गलत बात है आप बताइए, कैसे गलत आप बात है? बोलने बोल, नहीं, नहीं, आप जो बोले हम नहीं मान रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं उस तरह उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? बना के जैसे मोड़ के नहीं, इसमें बनाने की क्या बात है? जो आप सामने दिख रहे हैं बिल्कुल उसमें आप दिख रहे हैं कि किस तरह से आप सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया आप वहाँ पे खड़े थे। चलिए, जब आप तस्वीरों को भी झुठला रहे हैं और आप मानना ही नहीं चाहते, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विधायक। चलिए धन्यवाद। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।